डेनियल ब्रायन और एरिक रोमन का पक्ष आया सामने। ट्रिश ने कहा कि होगा आखिरी मैच और रोमन रेंस का अब बन सकता है समर स्लैम एक तगड़ा मैच। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत की जाए डेनियल ब्रायन और एरिक रोवन के पक्ष की न्यूज के साथ। तो गाइस, दोनों ने सफाई दे दी है रोमन रेंस के इल्जामों के ऊपर। रोमन रेंस का इल्जाम नहीं था, दरअसल बड़ी मर्फी ने उनका नाम लिया एरिक रोवन का कि रोमन तुम पर जो अटैक करवाए हैं वो एरिक रोवन ने करवाए हैं। जिसके बाद दोस्तों, जो डेनियल ब्रायन और एरिक रोवन है उन्हें बैकस्टेज पकड़ा गया। एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि रोमन रेंस अब आपकी खोज में है, क्या कहना है। जिस पर दोस्तों डेनियल ब्रायन ने कहा कि मेरे दोस्त यानी कि एरिक रोवन का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। और बड़ी मर्फी जो है वो पहले सच बोल रहा था, लेकिन जब उसका सर दीवार से मारा रोमन ने तो उसने नाम ले लिया मेरे दोस्त यानी कि एरिक रोवन का। अब मैं तुमसे ही पूछता हूँ, अगर कोई तुम्हारा सर दीवार में मारे तो तुम किसी का नाम नहीं लोगे? ऑब्वियसली तुम किसी ना किसी का नाम तो ले ही लोगे, और रोमन रेंस ने वही किया है। उसने जानबूझ के ये नाम उगलवाया है मेरे दोस्त यानी कि एरिक रोवन से, और हमारा इस पूरी कंट्रोवर्सी में कोई हाथ नहीं है। तो गाइस, यहाँ डेनियल ब्रायन ने झुटला सा दिया है पूरे के पूरे इल्जाम को, और पूरा का पूरा जो रिवील हुआ है डेनियल ब्रायन के अनुसार उसमें एरिक रोवन का कोई भी हाथ नहीं है। लेकिन यहाँ दोस्तों डेनियल झूठ कह रहे हैं क्योंकि वहाँ एरिक रोवन चुप रहे। अब एरिक रोवन जब कुछ बोलेंगे तभी इस मिस्ट्री का सॉल्यूशन आगे जाकर बनेगा। लेकिन अब हम चलते हैं आज की अपनी दूसरी बड़ी खबर के ऊपर। तो गाइस, वो जुड़ी हुई है ट्रिश स्ट्रैटस से। तो ट्रिश दोस्तों हो सकती है इस समर स्लैम में रिटायर। इसका रीजन है दोस्तों ट्रिश का हाल ही का ट्वीट, जिसके अंदर बहुत सी चीजें सामने आई है। ट्रिश दोस्तों फेस करने वाली है शार्लेट फ्लेयर को इस बारी के समर स्लैम के अंदर, और ये काफी तगड़ा मैच होगा क्योंकि शार्लेट फ्लेयर इन रिंग काफी बेहतर मानी जाती है और ट्रिश को पहले माना जाता था, तो ये लेगेसी की फाइट होने वाली है। ऐसे में दोस्तों ट्रिश ने आज ट्वीट किया कि वो संडे को अपना फाइनल मैच खेलेगी शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ। और यहाँ दोस्तों शार्लेट फ्लेयर जो है वो काफ़ी सही लग रही है, क्या ट्रिश उस मैच को जीतेगी ये बड़ा सवाल है। साथ ही साथ अगर इस ट्वीट का ब्रेकडाउन किया जाए तो मेरे अनुसार ट्रिश का कहना ये है कि किसी पीपीवी के अंदर ये उनका आखिरी मैच होगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई तो समय समय पर उन्हें बुलाता ही रहेगा, तो आप रख के चल सकते हैं कि वो पीपीवी अपना आखिरी लड़ने वाली है। लेकिन अब बात कर ली जाए आज की मेन खबर की। तो गाइस, मेन खबर जुड़ी हुई है बिग डॉग रोमन रेंस से। तो गाइस, रोमन रेंस के फैंस के लिए काफी बढ़िया खबर आ रही है। अभी तक ये चीज कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों रोमन रेंस के समर स्लैम मैच के ऊपर विचार किया जा रहा है। तो रोमन रेंस को दोस्तों समर स्लैम के लिए काफी जोश से डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने एडवर्टाइज किया था। आप जानते हैं कि मेन पोस्टर के ऊपर उन्होंने रोमन रेंस को दिखाया था, लेकिन अब वो अपनी ऑडियंस के साथ ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि रोमन रेंस वर्सेस डेनियल ब्रायन तो अभी होने से रहा क्योंकि स्टोरी लाइन अभी भी चालू है और जो ये मिस्ट्री है सॉल्व नहीं हो पाई है। तो डेनियल वर्सेस रोमन रेंस प्लान तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई सोच रही है कि क्यों ना रोमन रेंस वर्सेस बड़ी मर्फी बनाया जाए, और इसके ऊपर बैक स्टेज काफ़ी ज़्यादा बातचीत चालू है। आप जानते हैं स्मैकडाउन लाइव में जो रोमन रेंस ने बड़ी मर्फी को पीटा है, बड़ी मर्फी भी चाहते होंगे कि रोमन रेंस से बदला लिया जाए, और जो पूरा सेगमेंट था वो काफ़ी इंटेंस था। बड़ी मर्फी भी वहाँ काफ़ी साइज में बड़े लग रहे थे। साथ ही साथ एक दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन को भी इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ देखने को मिल सकती है कि बड़ी मर्फी और रोमन रेंस के मैच के बीच में डेनियल ब्रायन और एरिक रोवन इंटरफेयर करे, और उसके बाद दोस्तों हमें इन दोनों के बीच यानी कि डेनियल और रोमन रेंस के बीच एक रंजिश पैदा होते हुए नजर आए, तो इससे स्टोरी लाइन को भी फायदा हो सकता है। अगर सिंपली डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच को बुक कर देती है तब भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन अभी दोस्तों ये चीज़ कन्फर्म नहीं हुई है। आगे आने वाले कुछ समय में यानी कि कुछ एक घंटों में कन्फर्म हो सकती है या फिर रिजेक्ट हो सकती है। तो सवाल ये रहेगा, क्या आप रोमन रेंस को समर स्लैम में कम्पीट करता हुआ देखना चाहेंगे कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। दोस्तों आज की वीडियो इतनी, पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।